हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेरेबेलर लीजन एंड सेरेबेलर फंक्शन टेस्ट। अगर सेरेबेलम में कोई लीजन हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो हमें पर्सन को क्या एबनॉर्मलिटीज़ मिलेंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उनको टेस्ट करने के लिए क्या क्या टेस्ट करने चाहिए। तो अगर सेरेबेलर कॉर्टेक्स में अगर कोई लीजन होता है, यानी कि दो पार्ट होते हैं सेरेबेलम के, एक सेरेबेलर कॉर्टेक्स है, एक डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई है, तो जो सेरेबेलर कॉर्टेक्स में लीजन होता है वो टेम्परेरी होता है और वो धीरे धीरे उसका कंपनसेशन हो सकता है। लेकिन जो डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई होते हैं उनका जो लीजन है वो परमानेंट होता है, और हमें अवॉइड करना चाहिए अगर किसी वजह से सेरेबेलम का कोई पार्ट हटाना पड़ रहा है या फिर किसी डिसऑर्डर की वजह से हमें कोई सर्जरी करनी पड़ रही है, तो जो डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई हैं उनको डैमेज होने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना उसमें पर्सन में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल साइंस मिलने लग जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि पर्सन अगर रेस्ट में है तो कोई सिम्टम अपीयर ही नहीं होंगे, क्योंकि सेरेबेलम का काम होता है टू स्मूदनिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट्स, यानी अगर मूवमेंट नहीं होगी तो कोई सिम्टम ही अपीयर नहीं होंगे। लेकिन अगर पर्सन कोई मूवमेंट करेगा तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि हमारा जो वो सेरेबेलम है वो किस किस चीज़ को करता है कंट्रोल, वो रेट को करता है, रेंज ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल करता है, फोर्स को करता है, डायरेक्शन को करता है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को करता है, तो इन सारी चीज़ों को और टर्मिनेशन को भी करता है कि जो मूवमेंट है वो कब कहाँ पर रोकनी है। तो क्योंकि इन सारी में से किसी भी एबनॉर्मलिटी हो के जो है सिम्टम्स और साइंस हमें मिल सकते हैं जब सेरेबेलर लीजन होगा। तो सबसे पहला इनके इनकोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट्स को हम बोलते हैं एटेक्सिया। एटेक्सिया इज दी मोस्ट कॉमन फीचर जो कि आप सेरेबेलर लीजन में मिलता है। अब जैसे कि जो इस पर्सन को अगर हम चला के देखें तो वो जो है एज अ ड्रंकन गेट चलता है, क्योंकि जो पैरों की मसल्स हैं, जो पैरों का जो मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये वाइड बेस्ड कहलाती है। मतलब जैसे शराबी जैसे चलता है ना, ड्रंक पर्सन जो चलता है, तो इसको हम वाइड बेस्ड गेट कहते हैं। उस तरह का गेट होगा अगर किसी में सेरेबेलर लीजन हुआ, इसे कहते हैं वाइड बेस्ड गेट। जो पैर हैं उनको थोड़ा दूर दूर करके चलता है वो, क्योंकि जिससे कि उसको एक्चुअली स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वैसे चलता है। उसको बुलवा के देखो तो जो उसकी स्पीच होगी वो स्लर्ड और स्कैनिंग स्पीच होगी, क्योंकि जो स्पीच के लिए मसल्स यूज होती हैं वोकल कॉर्ड्स की, वो फाइन मूवमेंट्स हैं, उनके लिए फाइन मूवमेंट्स चाहिए। और हमारा जो सेरेबेलम है वो फाइन मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है और ग्रॉस प्रोस्चुरल मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। तो जो ये स्पीच होगी उसमें ऐसा लगेगा जैसे कि वो वर्ड्स को स्कैन कर रहा है, वो स्लर्ड स्पीच होगी, मतलब क्लियर स्पीच नहीं होगी उसकी। फिर डिसमेट्रिया या पास्ट पॉइंटिंग। डिसमेट्रिया या पास्ट पॉइंटिंग किसको बोलते हैं? अगर पर्सन को जैसे किसी जगह पे जाना है, यानी कि जो मूवमेंट है वो एक स्पेसिफिक मूवमेंट करनी किसी स्पेशल जगह पे, तो वो वहाँ पर नहीं पहुँचता, उससे दूर पहुँच जाता है। जैसे इसके लिए एक फिंगर नोज टेस्ट किया जाता है, उसको आप बोलेंगे कि आप अपने फिंगर से नोज़ को ऐसे जल्दी जल्दी टच करें, तो ये यहाँ, क्योंकि इसके लिए बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए मूवमेंट्स का, ये आपकी फिंगर जो है वो आनी चाहिए डायरेक्टली यहाँ पर आकर टच होनी चाहिए, ना पहले हो ना बाद में हो। तो सेरेबेलम जो है ट्राई तो करता है करेक्ट करने के लिए, लेकिन प्रॉपर ट्रैक करेक्ट नहीं कर पाता, वो उसको ओवरशूट करता, ओवर करेक्ट कर देता है। तो जैसे वो देखेंगे आप लाना तो नाक पे, वो यहाँ ले गया, ठीक है, तो आप जो है उसको दूर जगह ले जा रहा है, इसका मतलब उसको जो है जिस पॉइंट पे लाना चाहिए था उसे दूर ले गया, जिसको हम कहते हैं पास्ट पॉइंटिंग, ठीक है। और ये सब एटेक्सिया की वजह से हो रहा है, जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इसको हम कहते हैं डिसमेट्रिया। इंटेंशन ट्रेमर, अगर रेस्ट में पर्सन बैठा है तो उसके हाथ में कोई ट्रेमर नहीं होगी, लेकिन आप उस पर्सन को बोलो कि भाई यहाँ से आप पानी पी लीजिए उठा के गिलास में, तो जैसे ही वो पानी उठाएगा और आपको उसको जो है ऐसे से ट्रेमर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि जो ट्रेमर है वो किसी मूवमेंट के थ्रू दौरान हो रही है। या आप उसको बोलो कि भाई हाथ से पानी उठा लो, जैसे ही उसको पानी हाथ उठाने को बोलेंगे तो वहाँ तक पहुँचने में उसको जो ये इस तरह से ट्रेमर्स होने लग जाएंगे, ऑसिलेशंस होने लग जाएंगे, इसको हम कहते हैं इंटेंशन ट्रेमर। यानी कि जब पर्सन इज इंटेंडेड टू डू अ मूवमेंट देन दीज ट्रेमर्स स्टार्ट्स। ट्रेमर्स आर नॉट प्रेजेंट एट रेस्ट, रेस्ट में कोई ट्रेमर नहीं है। जबकि बेजल गैंग्लिया का जो लीजन होता है जिसमें पार्किंसनिज्म डिजीज होती है, उसमें रेस्टिंग ट्रेमर होती है, इवन पर्सन रेस्ट में बैठा है तब भी उसके हाथों में इस तरीके से ट्रेमर आ रही होती है, ठीक है। एक होता है इनएबिलिटी टू पुट ऑन ब्रेक। अब क्योंकि टर्मिनेशन भी करा रहे थे मूवमेंट जो है, टर्मिनेशन का काम भी, किसी मूवमेंट का टर्मिनेशन कराना भी सेरेबेलम का काम होता है। तो अगर सपोज करो कि हमने
किसी उस जो पेशेंट है उसके हाथ को इस तरीके से आगे इधर की तरफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है और उसको बोला हुआ है इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो ऐसे मूवमेंट करे। तो नॉर्मल अगर हम बात करें नॉर्मल पर्सन का क्या होता है कि आपने ऐसे आप ऐसे जो है रेजिस्टेंस लगा रहे हो, वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, आपने यहाँ से हाथ छोड़ दिया तो वो वहाँ पर रोक सकता है। अगर आप उसको बोलोगे जैसे हम छोड़ेंगे तो आप रोक लेना, तो वो वहीं पर रोक लेगा। लेकिन जिस पेशेंट में सेरेबेलर लीजन होगा वो इस मूवमेंट को यहाँ पर रोक नहीं पाएगा। आपने तो ऐसे लगाने वाला फोर्स कर रखा था, आपने हटा लिया और वो पर्सन इसके अपोजिट फोर्स लगा रहा था, तो वो जहाँ पे आपने हाथ हटाया वो रोक नहीं पाएगा और ये वापस ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्योंकि ये रोक नहीं पा रहा है सो इनएबिलिटी टू पुट ऑन ब्रेक, और इसको कहते हैं कि ये एक वाइड आर्क में ऐसे वापस चला गया, तो इसको हम बोलते हैं रिबाउंड फिनोमेना, क्योंकि ये रिबाउंड हो रहा है। तो रिबाउंड फिनोमेना और इनएबिलिटी टू पुट ऑन ब्रेक इज द फीचर ऑफ सेरेबेलर लीजन। इसी के लिए एक दूसरा टेस्ट होता है, इसको अगर हम बोलें कि भाई आप जो है कोई अल्टरनेट मूवमेंट करो, यानी कि जिस मूवमेंट में कई सारे जॉइंट साथ साथ चाहिए, जैसे इसको बोल सकते हैं हम अल्टरनेट प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन करो हाथों से। ये होता है प्रोनेशन, ये होता है मतलब एक सुपाइनेशन है, ये तो सुपाइनेशन है ये प्रोनेशन है, उसको बोलो अल्टरनेट प्रोनेशन सुपाइनेशन करे जल्दी जल्दी, तो वो नहीं कर पाता क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आप देखेंगे काफ़ी सारे मूवमेंट्स, काफ़ी सारे जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं मल्टीपल, और जल्दी जल्दी उनका चेंज हो रहा है मूवमेंट, तो वो नहीं कर पाता। वो कैसे करेगा, वो ऐसे 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 कोशिश करेगा पर वो फास्ट नहीं कर पाएगा, और मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। दो बार ऐसे ही कर रहा है, एक बार ऐसे कर रहा है, तो इट इज़ इनएबिलिटी टू डू अल्टरनेट प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन, वो नहीं कर पा रहा है। इसको हम बोलेंगे ए डाइडोकोकाइनेसिया, नहीं हो रहा है और गलत कर रहा है, उसको हम बोलेंगे डिस डाइडोकोकाइनेसिया। डिस माने होता है एबनॉर्मल, तो या तो वो नहीं कर पाएगा तो ए डाइडोकोकाइनेसिया हो गया, या गलत करेगा डिस डाइडोकोकाइनेसिया। इसको याद कैसे रखना है, काइनेसिया मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड होता है, ए माने होता है एबसेंट, तो ऐसे याद रखोगे ए डाइडोको, डाइडोको बीच में याद रखो काइनेसिया, और एबनॉर्मल है तो डिस याद रखोगे, इसमें भी डिस काइनेसिया है बीच में डाइडोको वर्ड है। ठीक है, और ऐसे मूवमेंट्स को वो कैसे करेगा, वो अलग अलग मतलब अलग अलग जॉइंट्स की मूवमेंट को वो अलग अलग धीरे धीरे करके कोशिश करेगा, और ये मूवमेंट्स को एक साथ ना कोऑर्डिनेट करके वो अलग अलग करेगा। इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ द मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसमें इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ मिलेंगी, और ज़्यादातर ये तभी मिलेंगी जब मूवमेंट होगा, रेस्टिंग कंडीशन में एबनॉर्मलिटीज़ नहीं मिलती। अब इनको टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप क्या टेस्ट कर सकते हो, आप जो है ये देख सकते हो गेट कर टेस्ट कर सकते हो, गेट में उसको आप चला के देखो तो वो नॉर्मल नहीं चल पाएगा, वो जो है वाइड बेस चलेगा, और इधर उधर इधर उधर एक स्ट्रेट लाइन में चलने को बोलो उसको तो वो नहीं कर पाएगा। तो आप जो है इसको गेट कर सकते हो, गेट के लिए आप उसको एक स्ट्रेट लाइन में चेक कर सकते हो। स्पीच टेस्ट कर सकते हो, उसको बोलने के लिए बोलोगे तो जो उसकी आवाज़ होगी वो क्लियर नहीं होगी, ऐसा लगेगा उसको स्कैन कर रहा है और एक स्लरिंग है उसकी आवाज़ में, मतलब क्लियर आवाज़ नहीं है। ठीक है, आप उसको कोऑर्डिनेशन के लिए अगर आपको अपर लिम चेक करना है मान लिया, तो एक तो यही हो गया फिंगर नोज टेस्ट, जैसे आप जल्दी कराओगे उसको, लेकिन आइज़ उसकी खुली रहनी चाहिए। आइज़ क्यों खुली रहनी चाहिए, आइज़ इसलिए खुली रहनी चाहिए कि हम कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं और ये मोटर अटैक्सिया देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके सेंसेशन में ही गड़बड़ है, अगर आँख बंद है तो सेंसरी जो इनपुट्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, और इसको हम सेंसरी एटैक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पे आइज़ खुली रहती हैं जब हम टेस्ट करते हैं सारे। फिर हम उसको हवा में बोल सकते हैं कि एक सर्कल बनाएं, क्योंकि सर्कल बनाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स आप देखेंगे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये वाले जॉइंट ये वाले जॉइंट, सारे जॉइंट्स एक साथ साथ अल्टरनेट मूवमेंट में एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में जा रहे हैं। तो अगर सेरेब्रल लीजन है तो वो सर्कल नहीं बना पाएगा, बीच में ही कुछ कुछ गड़बड़ कर देगा। ठीक है, फिर लोअर लिम में अगर चेक करना है आपको तो एक नी हील टेस्ट होता है। नी हील टेस्ट में क्या करते हो आप कि जैसे मान लिया ये इसका जो है, जस्ट एक ऐसे डायग्राम बना दे रही हूँ मैं आपको, एक पैर का जो नी है वो हम उसे बोलेंगे कि भाई यहाँ पे रख के, और इस शिन ऑफ टिबिया पे, ये दूसरा पैर है, ये शिन ऑफ टिबिया है आपका, तो जो नी है मतलब एक पैर की हील से दूसरे पैर की नी पे जाके वो ऐसे कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन में जाएगा इस तरीके से। तो ये भी एक बहुत कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चाहिए पैरों के लिए। अगर ये लीजन नहीं होगा तो ये मूवमेंट वो कंटिन्यूअस कर पाएगा, अदरवाइज उसको वो कंटिन्यूअस नहीं कर पाएगा, नी हील टेस्ट बोलते हैं उसको। फिर वॉक इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में उसको चला के दो कि एक लाइन खींच दो, बोलो इस लाइन पे ऐसे चले, तो वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, टेस्ट फॉर पोस्चुरल स्टेबिलिटी, उसको बोलो कि सीधा खड़ा हो जाए, क्योंकि सीधे खड़े होने के लिए पोस्चुरल मूवमेंट चाहिए, पोस्चुरल स्टेबिलिटी चाहिए, जो कि ये आपका सेरेबेलम करता है, क्योंकि सेरेबेलम पोस्चुरल मूवमेंट के कोऑर्डिनेट भी करता है
और स्किल्ड मूवमेंट, जो फाइन मूवमेंट्स होते थे, हमें स्पीच में फाइन चाहिए, ये मूवमेंट्स चाहिए, वो सब के लिए हमें फाइन मूवमेंट, तो दोनों को कंट्रोल करता है। अब उसको सीधा खड़े करने के लिए बोलोगे और उसको बोलो कि आँख खोल के रखे, तो वो नहीं खड़े, वो ये तो इधर स्विंग करेगा या फिर इधर स्विंग करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं खड़ा हो पाएगा। सो दिस इज अ टेस्ट फॉर पोस्चुरल स्टेबिलिटी, टेस्ट फॉर कोऑर्डिनेशन, टेस्ट फॉर गेट एंड स्पीच। तो इससे हम एक ओवरऑल आइडिया लगा सकते हैं कि उसको सेरेबेलर लीजन है या नहीं है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।